हेलो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी लग रही है हमारी मैंगो स्टफ्ड कुल्फ़ी। अगर आप भी ये कुल्फ़ी बनाना चाहते हैं घर पे इजीली तो आप भी बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बनाना चाह रहे हैं मैंगो कुल्फ़ी रोल, उसके लिए हमें एक आम चाहिए। इसे हम ये ऊपर का से कट कर देंगे, ये हमें बाद में काम आएगा। हमें इसमें आराम से आहिस्ता आहिस्ता ये निकालनी है हमें गुठली। इसे ट्विस्ट करके हमें निकालनी है, बहुत आराम से निकलेगी। यही सबसे बड़ा प्रोसेस है इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़े से एफर्ट से ये निकल गई है हमारी ये गुठली। अब हम इसको सिंपली ऐसे, अभी वो निकल गई है सिंपली, अब हम इसमें गिलास में खड़ा कर देंगे ऐसे। अब इसके लिए बनाएंगे कुल्फ़ी, और इसका जो गुठली का गूदा है ना सारा, वो हम इसके अंदर ही निकाल के सब इसके अंदर ही डाल देंगे। अब बनाने जा रहे कुल्फी, इसके लिए करेंगे गैस ऑन और इसमें हम डालेंगे दूध, फुल क्रीम दूध मलाई से डाल दिया हमने। अब ये देखिए, अब हम इसमें इसको थोड़ी सी थिकनेस के लिए हमें इसमें कॉर्न स्टार्च डालेंगे 1-1.5 चम्मच। ऐसे हम इसका एक अच्छा घोल बनाएंगे, इसका घोल बनाएंगे हम। चाशनी बनाते हैं उसमें। अभी हमारा अच्छे से घुल गया है, हम इसे दूध में डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे और चलाते रहेंगे जिससे कि लम्स ना पड़े। इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे, इससे दूध हमारा थिकनेस हो जाएगा, कुल्फी अच्छी बनेगी। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच अभी मिल्क पाउडर, हम इसमें मिक्स करेंगे धीरे धीरे। इसमें धीरे धीरे डालते रहेंगे, धीरे धीरे हम चलाते रहेंगे जिससे कि लम्स ना पड़े। इसे विस्कर से विस्क करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कुल्फी पक रही है। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे इलायची पाउडर, ये डाल दें हमने इलायची पाउडर। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ऐसे थोड़ा सा गाढ़ा होना तो पकाएंगे जब तक ये स्पैचुला पे अच्छे से कोटिंग ना हो जाए और हम ऐसे लाइन करें तो लाइन बन जाए। इतना हम इसे पकाएंगे तो हम इसकी रबड़ी जमने ठंडा होकर फिर हम जमने रखेंगे इसकी रबड़ी कुल्फी। लग रहा है ना कितना बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा हो गया ये। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पक रही है और कितनी अच्छी लग रही है, ये लग रही है ना बढ़िया। अब इसमें इसी स्टेज पे डालेंगे चीनी, जो कि हमने इसी कटोरी से लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं, जैसा आपको मीठा खाना हो आप उस हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसको अभी थोड़ा सा और थिक करेंगे क्योंकि ये काफ़ी पतला है, रनी सा हो रहा है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, नहीं तो फिर क्रिस्टल आइस क्रिस्टल आएंगे मुंह में हमारे। थोड़ा सा ऐसे थिक होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी काफ़ी थिक हो गई है, ये हमारी हो गई है थिक। हम गैस को करेंगे ऑफ और इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता और बादाम।
इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम मैंगो में फील करेंगे, फिर हम जमने के लिए रखेंगे कुल्फी। अभी देखिए हम इसे कर देंगे मिक्स, लग रही है ना बढ़िया एकदम से ठीक। अभी ठंडी होके और गाढ़ी हो जाएगी तो ये और टेस्टी लगेगी। अब इस तब इसमें हम आम में भरेंगे इसे। ओके फ्रेंड्स, ये अब हमारी गाढ़ी हो गई है, हम इसे आम के अंदर फील करेंगे और फिर हम उसे जमने के लिए रखेंगे ओवरनाइट या जब तक सेट हो जाए, फिर हम उसे सर्व करेंगे। जमने के बाद कटिंग करके सर्व करेंगे, तो देखते हैं कैसी लगती है। देखिए अब हम इसके अंदर ये फीलिंग भरेंगे अपनी कुल्फी। ये हमने भर दिया है, अब हम इसका लगा देंगे ये ढक्कन, हम इसे रख देंगे जमने के लिए फ्रिज में। अब फिर हम सुबह जब ये जम जाएगा तो उसके बाद हम इसे पील करके कट करेंगे, तब हम आपको दिखाते हैं। ये मैंगो की कुल्फी बन गई है, अब हम इसे करेंगे पील। हार्ड हो इसको करेंगे हम अच्छे से पील, फिर हम कट करेंगे और फिर इसकी सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छी बनी है हमारी ये मैंगो स्टफ कुल्फी। अब इसे करेंगे हम कट शार्प नाइफ से, इसी तरह से हम सारे स्लाइस बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब हमारी कट गई है, हम इसमें डालेंगे पिस्ता, इस तरह से करेंगे गार्निश। ये लीजिए तैयार है हमारी मैंगो कुल्फी, कितनी टेस्टी लग रही है ना देखने में। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।